नमस्कार, आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। अब चर्चा करेंगे एक विशेष टॉपिक पर। क्या है शिवरात्रि का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त जिसमें की गई पूजा आपको सर्वश्रेष्ठ लाभ देगी, तो उस पर चर्चा करेंगे। वैसे भी शिवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण है। चार साल बाद सोमवार के दिन पड़ रही है शिवरात्रि, तो ये अद्भुत संयोग बना है। इसके बाद 12 साल 2031 में ये संयोग बनेगा, तो समझ लीजिए कितनी महत्वपूर्ण है ये शिवरात्रि। 12 साल बाद ये आपको मौका मिलेगा जब शिवरात्रि वापस सोमवार के दिन बनेगी। तो खास तौर से शिवरात्रि का खास तौर से जो महत्व होता है रात्रि पूजा से होता है, तो रात्रि पूजा जरूर करनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको टाइमिंग पहले भी बताया था, 4:28 को चतुर्दशी तिथि लग रही है सोमवार को, लेकिन पूजा कब करनी चाहिए? रात्रि 12:08 से 12:57 तक। इस दौरान 49 मिनट आपको मिलेंगे। ये पूजा रात्रि पूजा, क्योंकि शिवरात्रि रात्रि की होती है, जरूर करनी चाहिए। किसी भी तरह की कोई समस्या, उपाय, महामंत्र सब मैंने बताए एक और एपिसोड में, महा एपिसोड में, उससे आप ले सकते हैं। लेकिन इस दौरान वो महामंत्र पढ़ना बहुत शुभ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। जो पारण है वो अगले दिन 5 तारीख को 3:29 को करना है, उसके बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। तो खास तौर से ये सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा। जो लोग मान लीजिए बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, मेरी माता है, मैंने जो प्रेग्नेंट है, रात को पूजा नहीं कर सकती, उन्हें प्रातःकाल सुबह 6:43 से शायम 4:18 तक सर्वार्थ सिद्धि योग में पूजा कर लेनी चाहिए, वो भी सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तो पहला मैंने टाइमिंग बताया सब लोगों के लिए, आपको उस समय पूजा करनी चाहिए। लेकिन उस समय नहीं कर पाते हैं तो सर्वार्थ सिद्धि योग में पूजा करिए, शंकर जी की पूजा करिए, बेलपत्र जरूर चढ़ाइएगा, जल जरूर चढ़ाइएगा, और नहाते समय अपने जल में गंगा जल की 2 बूंदें जरूर डाल लीजिएगा। ये छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। तो ये था सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त इस बार महाशिवरात्रि का। मुझे दीजिए इजाजत। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।